बच्ची मेरी नहीं है, ये बच्ची है जो बच्ची को मैं दिखाती हूँ ना, उसकी पुप्पी की ये बेटी है। तो ये मेरे पास बहुत आती है और मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दोनों भी मुझे बच्चियाँ बहुत पसंद है। सामने देखो, सामने देखो, सामने सामने, और ये अच्छी लगती है। और मैं अभी तक इसे कभी वीडियो में नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ बुलाती है ये भी मुझे। तो बच्चे लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि बच्चियों को हमेशा प्यार करना चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैंने देखा कि बहुत से लोग लड़कों को ज्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। बेटियां हमारे घर की जीनत होती हैं, रौनक होती हैं, और उन्हीं से हमारा संसार चलता है। तो फ्रेंड, बहुत ज्यादा प्यार करें और इनको पढ़ाएं लिखाएं, और ये आपके देश का भविष्य बनेगी, देश के भविष्य का। तो देश का भविष्य हमें अच्छा करना है, लड़कियों को पढ़ाकर और आगे ले जाना है। तो बोलो, क्या बोलोगी? बोलो, यहाँ बोलो, बोलो हेलो फ्रेंड, बोलो हेलो फ्रेंड। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बोलो। सलाम कर रही है आप लोगों को। तो देख सकते हैं बच्ची आप लोगों सलाम कर रही है फ्रेंड। तो मेरी बच्ची को आप प्यार दें और बहुत सारी दुआएं दें, हमारी बच्ची अच्छी रहे और हमेशा खुश रहे, आगे की इसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। तो फ्रेंड, बस ये देखिए कितने सारे, कितनी खुश है ये। तो आप लोगों को लाइक करने के लिए हमेशा वो बच्ची बोलती है, तो ये भी कह रही लाइक करने के लिए। बोलो ऐसा ऐसा, बताओ ऐसा 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 ऐसा, ये देखिए लाइक करने के लिए आप लोगों को बोल रही है फ्रेंड। बस आगे देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। आज मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैंने बनाया है इडली, और ये इडली मैंने बहुत ही सॉफ्ट बनाई है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस तरह से आप अगर मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल नए जायके पर जाएं और वहां पर ये रेसिपी देखें, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। और सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट इस तरह से अगर हमें मिल जाए तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाए। तो अपने बच्चों को बना कर दें बटर इडली। तो ये हमने बटर इडली बनाई है, तो देखने में तो अच्छी है ही है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये इडली। तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेज़वान चटनी। तो सेज़वान चटनी हमें चाइनीज़ की डिश में ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हमने बनाया है। और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अंडे ज़रूर खिलाएं, इससे काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है, और बॉयल अंडे दें। तो ये बच्ची आप देख सकते हैं, और ये बच्ची हमारे घर के बाजू में रहती है, ये उसी बच्ची की बहन है जिसे मैं दिखाती हूँ। तो एक गलत गांव में हो चुका है, अलीगढ़ के पास कोई गांव है, तो वहाँ पर एक लड़की मनीषा नाम की है, जिसका लड़कों ने बहुत बुरी तरीके से बेहाल उसे किया और उसकी ज़बान काट दी और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो इस तरह से दरिंदे बहुत गलत कर रहे हैं और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, और हमारी फूल जैसी बेटियों को वो अपने पैरों तले मसल कर फेंक रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग बैठेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये दुर्घटना आपके घर पर भी हो सकती है। तो जो भी हैं, जो यूट्यूबर है, इस तरह से अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपका घर परिवार सुखी रहेगा। और ये जो बच्ची है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, खेल कूद रही है। तो मैंने जब सुना, मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी एक लड़की की ज़बान काट दिया, तो मेरे सुन के होश उड़ गए। और मैंने न्यूज़ देखा तो मेरे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि इतना लोग गांव में बुरा कर सकते हैं। और मोदी कहते हैं कि जो है अब दे बेटी बचाओ
और बेटी पढ़ाओ तो बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं इस देश में, कभी नहीं सुरक्षित होंगी बेटियां इस देश में। और ये हमारी बच्ची बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है, तो ये हमारी बहुत बड़ी हीरोइन है इस चैनल की, तो इसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरे बेटे ने गल्ले में पैसे जमा किया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये गल्ले में पैसे जमा कर रहा है। तो जब मैंने देखा तो मैं भी दंग रह गई कि इतने सारे पैसे लॉकडाउन में कैसे जमा हो गए। तो ये अपने अब्बू जी से पैसे लेकर जमा करता था और बहुत सारे इसने जमा किए हैं गल्ले में पैसे। तो ये गल्ला हम लोग अजमेर शरीफ से लेकर आए थे और ये गल्ला घर स्टाइल में बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं इतने सारे पैसे, मुझे तो ताज्जुब हुआ कि कब इसने जमा कर लिया और लॉकडाउन में कब इसने जमा करके रखा कुछ पता ही नहीं चला। तो वो मेरा जो बेटा जिसने जमा किया है वो है 13 साल का, और ये कब इतनी सारे करेंसी इसने जमा करके गल्ले में रख दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये देख सकते हैं ये इतने सारे पैसे जमा किया है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई बात पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और ये कोइट की नोट है, तो ये नोट भी अपने इंडिया की नहीं है, बाहर की है। इवनिंग टाइम हो चुका है, 6 बज रहे हैं और मैं दाबली और दाबली का नाश्ता दिखा रही हूँ। तो गुजराती डिश है ये और चाय भी हमने बनाई है। तो बच्चों को दाबली पाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हस्बैंड लेकर आए थे और ये चाय भी हमने बनाई है। यहाँ पे मैं अंडे बॉयल कर चुकी हूँ। तो शाम के टाइम पे मेरा बेटा जाता है जिम, तो उसके लिए अंडे। और मैंने डिनर में बनाया है कोरमा और राइस और चपाती। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।